सब्सक्राइब करें माधव एजुकेशन हब चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। है दोस्तों, स्वागत है आप सबका माधव एजुकेशन हब चैनल में। आज हम आपके साथ राजस्थान लैब असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2018, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे क्या पढ़ें और कैसे करें तैयारी। तो फुल इन्फॉर्मेशन्स के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता है या नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, RSM SSB द्वारा 9 मई को प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में 1200 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं लैब असिस्टेंट के लिए। तो ये जो है आवेदन 14 जून से शुरू होंगे और 13 जुलाई तक आपसे आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और प्रयोगशाला सहायक की भर्ती परीक्षा के लिए जो है भर्ती परीक्षा आपकी जुलाई या अगस्त माह में हो सकती है। तो अब मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस भी बता देता हूँ जो RSM SSB द्वारा अभी हाल ही में जारी किया है। तो देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, ये है प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा की स्कीम एंड सिलेबस। तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, कांस्टेबल की निकली हुई है, इसके अलावा राजस्थान LDC की निकली हुई है, टैक्स असिस्टेंट की निकली हुई है, RAS की निकली हुई है, तो सबकी वैकेंसी भी निकली हुई है, इसके अलावा टीचर्स की भी निकली हुई है। तो स्टूडेंट्स अभी कन्फ्यूज़न है कि किसकी तैयारी करें। तो देखो, अगर आप लैब असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो लैब असिस्टेंट का सिलेबस LDC से बिल्कुल डिफरेंस है। सिर्फ एक ही पार्ट मिल रहा है राजस्थान का, GK, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, गणित जो LDC में आएगी वो इसमें बिल्कुल नहीं आ रही है। इसमें आएगी जीव विज्ञान, फिजिक्स और रसायन विज्ञान, तो जो कि LDC से बिल्कुल डिफरेंस है। तो जो विद्यार्थी LDC की तैयारी करना चाहते हैं वो LDC की ही करें, एक बार माइंड सेट कर लें। क्योंकि देखो, मैं आपको एक कोटेशन भी बता देता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन, मैं भी बताता हूँ आपको, ये देखें। जी हाँ दोस्तों, ये देखें स्वामी विवेकानंद जी का बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो समझ लो, आपको एक समय में एक ही काम करना है, सारी जॉब्स को एक साथ नहीं लेना पड़ेगा। अगर सारी जॉब्स को एक साथ तैयारी नहीं कर पाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा आपको आपके लिए कौन सी जॉब है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको LDC की तैयारी करनी है तो पूरी तरह LDC की ही तैयारी करें। सारी जॉब्स के बारे में मत सोचें कि ये भी कर लूँ, तो आपकी सारी जॉब्स आपके हाथ से निकल जाएगी। एक बार में एक ही काम करो और पूरी आत्मा से उस काम को कर डालो, बाकी सब भूल जाओ, आपकी क्या करना है क्या नहीं, आपकी जॉब डेफिनेटली लग जाएगी। एग्ज़ाम का सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न एक पेपर होगा जिसमें दो भाग होंगे, अ और ब भाग। अ भाग में सामान्य ज्ञान आएगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, 100 अंक का पार्ट होगा ये। और ब भाग होगा जिसमें आपके आएंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, ये 200 अंक का पाठ होगा। कुल मिला के 300 अंक का पाठ होगा। 3 घंटे में आपको क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे में आप 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब आते हैं बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के, और मिनिमम पासिंग मार्क 40% है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/3 गलत उत्तर के लिए काट लिया जाएगा आपका। तो आते हैं सिलेबस के बारे में। सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं में विरासत पूरा आ रहा है। तो आप ये इस विंडो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, वो 17 पार्ट हैं इसमें। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल के ही 19 पार्ट हैं, तो राजस्थान भूगोल का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के 2 पार्ट करे हैं, पार्ट अ में आपके हैं 8 चैप्टर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, 8 चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट बी, जीव विज्ञान के पार्ट बी में है 8 चैप्टर, इन 8 चैप्टर को भी आप देख लीजिए, सिलेबस नेट पे भी दिया हुआ है वहाँ से। आते हैं फिजिक्स,
फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के 10 चैप्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के भी 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो आप एक बार उसमें देख लीजिए पूरा सिलेबस में। इसके अलावा मैं आपको किताब के बारे में बता देता हूँ, देखें राजस्थान जी की किताब तो है, डिफरेंट डिफरेंट किताबें हैं मार्केट में, आप राजस्थान जी की कोई सी भी किताब ले सकते हैं। तो मैं आपको टेक्निकल्स के बारे में बता देता हूँ, टेक्निकल्स के लिए आप सिर्फ 11th 12th की किताब ले लीजिए, RBSC की या फिर NCERT की, RBSC की ले लीजिए 11th 12th की किताब, और उसको उससे ही पढ़िए तो आपका पूरा कोर्स भी हो जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स बुक्स भी ले लेना, क्योंकि जो पिछली बार का पेपर आया था बहुत टफ आया था, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको डीप स्टडी करनी ही पड़ेगी इसके लिए। तो आप सिर्फ 11th 12th की किताब अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें से आपका सारा सिलेबस कवर भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी उसमें से ही बनते हैं। तो यह वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल थी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल्स को ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।